Hello guys. Guys, we got some wood powder and wood chips to put around the trees and the saplings so that the water doesn't evaporate. So this will form into mulch. So ये मैं लकड़ी की दुकान से जो बूरा होता है या पाउडर होता है वो लेके आया हूँ, चार बोरी। हमारे पास अभी चार बोरी हो गई है ये मल्च की, सो ये प्लांट्स की जड़ों के आसपास लगा देंगे और ये पानी को सूखने नहीं देंगे, वैपोरेट नहीं होने देंगे, इसको सही जगह पर रखना है। इससे पानी नहीं आता, ऊपर से आता है, ऊपर से आता है पानी। नहीं, बारिश जोर से आएगी तो घास काटने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट भी लगता, दाती बोलते हैं इसको पंजाबी में, दाती बोलते हैं। तो दो इधर रख देते हैं और एक अभी यूज़ करेंगे, इसको भी इधर ही रख देते हैं। सो इट विल स्टे सेफ आउट हियर। तो सो गाइस, एरिक तो बहुत ही एक्साइटेड है ये वुड के चिप्स को डालने के लिए। तो जहाँ जहाँ हमें कोकोनट लगाए हैं और बनाना लगाए हैं सबसे पहले उधर डालेंगे, बिकॉज इनको मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब पानी डालेंगे तो इनके आसपास पानी वेपरेट नहीं होगा। अभी बारिश हो रही है सुबह से, स्पेशल थैंक्स टू माई फ्रेंड एंड आवर फैमिली फ्रेंड, मैं नाम नहीं लूँगा उनको फोन पे, ये नो के उन्हीं के लिए स्पेशल थैंक्स है ये सब अरेंज करने के लिए। इम्पोर्टेंट था उसको दूसरी बाउंड्री से आ रहा है, वीड है ना, वीड है, मैं सोचा जिंदा हूँ। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा बाद में कुछ और भी मिक्स करेंगे। तो इनडायरेक्टली इट इज़ ए गुड इंडिकेशन कि ज़मीन जो फर्टाइल है। ठीक है, इसमें स्टोन्स हैं बट फर्टाइल तो है। थोड़ा हिला दो पत्ती के ऊपर ना, ये बनाना था हमने कल लगाए थे, दे आर होल्डिंग द ग्राउंड और सुबह बारिश फिर से होगी, ये अच्छे से गीले हो गए, जड़ों को पानी मिल गया, कल भी मैंने काफ़ी पानी डाल दिया था। मैं एक फीलिंग के साथ चलता हूँ गाइस कि दो मुट्ठी काफ़ी है, तीन मुट्ठी काफ़ी है। सो मेरे को अगर लगता है कि इनएडिक्वेट है सो थोड़ा सा और डालना है, लाइक दिस यू कैन से इज़ लाइक कनेक्टिंग विद द प्लांट, वो प्लांट कह रहा है कि मेरे को और चाहिए।
सो इसमें और सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो भी पानी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। ये कोकोनट आज निकालना है, हर रोज़ हम पीटी में बोलते हैं। उधर हमने गाइस दो खड्डे और करे हुए हैं उगर से, उसमें हम दो कोकोनट्स लगाएंगे आज होपफुली, क्योंकि बारिश हो रही है तो अच्छे से वो हो जाएगा। दोनों ही चीकू उसके ऊपर से हटा दो। इधर 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 बैम्बू भी हमने लगाया था, ये तो नहीं लगेगा तो उसको पानी तो मिलेगा। अभी हम बोन ब्रॉथ टाइप का मटेरियल लेके आएंगे, क्रश बोन और उसमें वो कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह काफ़ी मिल जाएगा, वो भी
ये गाइस ये बहुत मेहनत हमने करी ये प्लांट्स के लिए, एरिक ने, मैंने, पूरा धूप में दो दो घंटे पानी दिया, क्रीक में से पानी ले लेते, उस टाइम क्रीक का पानी पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, गंदा ही होता है, बट वी हैड टू कीप द प्लांट्स अलाइव, सो हमने वो किया। हमने नहीं लगाया ऊपर से गिर के, तो इसको भी निकालना पड़ेगा, फिर नहीं तो ये कोकोनट खराब, उसको डाल देते हैं जो फुटबॉल के टीम के अंदर है, इस लड़के को भी डाल देते, फिर बोरी खत्म भी हो जाएगी। जो घास हमने काटा है वो सूख गया है, पर उसमें ये क्या होता है कि उसमें सीड होंगे घास के, वो फिर से उग जाएगा, वुड में से ये चीज़ नहीं होगी, वुड में मॉइस्चर को रिटेन करके रखेगा और वुड में से कुछ नहीं, नया पेड़ तो उगने वाला। एक बार बारिश होगी सारे फिर से साफ हो जाएंगे। सो दिस इज अ न्यू स्टेप इन आवर परमाकल्चर गाइस, ये आज नई चीज हमने कर रहे हैं, पता था पहले से, पर वीडियोस देख के स्पेशली आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू आनंदा फार्म्स, वो जो मैम है हमारे जैसी वर्किंग कपल हैं, एंड फ्रॉम देयर वीडियोज़ आई लर्न अ लॉट, थैंक यू मैम, एंड होप आपका फार्म भी अच्छे से बढ़ता रहे, आपका फार्म तो भी बहुत अच्छा हो गया, हमारा अभी हमने स्टार्ट किया छोटा सा है, तो थैंक यू सो मच। पाइन एप्पल को भी ये तो इधर ही लगा रहेगा ना, कोकोनट इसको दिखाने की जरूरत है, ये निकाल सकते अगर कहीं और लगाना है, बड़ा सा है। ये मेरे दिमाग में एक आइडिया, ये भी मेरे को आनंदा फॉर्म से आइडिया आया कि वाइल्ड एनिमल्स के लिए एक हैबिटेट बना के रखना, उसमें हम नहीं जाएंगे, सो कभी कभी अगर हमने पपीता तोड़ने जाना तो तब जाएंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही रखेंगे, इसमें द एनिमल्स विल एन्जॉय द लाइफ। अभी मेरा ये ख़त्म हो गया है सॉडस्ट, सो अभी और लेके आता हूँ, चार बोरी में लेके आया था, सो ये पाइन एप्पल में थोड़ा सा डाल दूँगा, वो मेरा गुलमोहर है, गुलमोहर में डाल दूँगा, एंड ये सुपारी है इसको भी डाल दूँगा, सो आई जस्ट कम बैक गाइस, बीस्ट इज़ बिज़ी, उसको पता चल गया कि उधर क्रीक में मछलियाँ हैं, सो बस सारा दिन बैठा रहता है उधर, देखता रहता है, इट इज़ गुड इन ए वे दैट ही विल नॉट जंप अक्रॉस द फेंस, वो मछली को पकड़ने के लिए खुश रहता है उधर।
सो ये वाला पॉली में ले जाता हूँ नीचे, प्लांट्स को डालेंगे। रोमन आ जा।